दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है और आप अपने बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से अपना UPI पिन चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप पे चेंज कर सकते हैं, वही आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करा के रखा हुआ है और आप अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन अपने आधार कार्ड से चेंज करना चाहते हैं, आपके पास ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड नहीं है और आप अपना UPI पिन भूल गए हैं, जैसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाते होंगे तो आपका जो ATM कार्ड है वो नहीं है लेकिन अपना UPI पिन चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन में अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने फ़ोन में फ़ोन पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारा बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हमारा जो UPI पिन है वो हम भूल चुके हैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का, इसी प्रकार अपने आप SBI बैंक का, इसी प्रकार आप अपने केनरा बैंक का, PNB बैंक का, ICICI बैंक का, HDFC बैंक का, कोई भी आपका बैंक होगा तो आपको अपना UPI पिन अपने आधार कार्ड से कैसे चेंज करना है, कैसे आप रिसेट करेंगे। तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये UPI पिन होता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ से आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद और भी बैक आ जाना है, यहाँ पर आपका मिलेगा प्रोफाइल, सबसे ऊपर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा व्यू ऑल पेमेंट मेथड, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सारे बैंक अकाउंट दिखाई देंगे जो आपने यहाँ पर ऐड करके रखा होगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हमें यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का UPI पिन चेंज करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा तो दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक मिलेगा चेंज करने का और एक मिलेगा रीसेट करने का। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना पुराना वाला UPI पिन डाल देना है इस तरीके से और उसके बाद राइट कर देंगे। राइट करने के बाद यहाँ पर आप जो भी एक नया UPI पिन बनाना चाहते हैं वो आप बना लेंगे, उसे आप कंफर्म कर देंगे, यहां से आपका UPI पिन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पुराना वाला नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा है आपको रीसेट का ऑप्शन, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो विकल्प मिल जाते हैं, एक मिलेगा आधार कार्ड का और एक मिलेगा ATM यानी कि डेबिट कार्ड का। तो आपके पास ATM यानी कि डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको अपना आधार वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करना होगा और प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। और अगर आपके बैंक अकाउंट में आपको यहां पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो यहां पर आपको अपने आधार कार्ड के जो सबसे पहले के अंक हैं वो आपको यहां पर डाल देना है इस तरीके से, तो हम यहां पर डाल देते हैं और उसके बाद यहां पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे अब आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा एक OTP आएगा, वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। राइट करेंगे आपके बैंक की तरफ से एक OTP आ जाएगा, वो यहां पर फिलअप हो जाएगा, उसके बाद राइट करेंगे। अब यहां पर आप जो भी अपना UPI पिन सेट करना चाहते हैं इस तरीके से आप यहां पर इस तरीके से अपना UPI पिन सेट कर लेंगे, यहां से आप राइट करेंगे आपका UPI पिन सेट हो जाएगा। तो चलो हम यहां पर इसे कैंसिल करके एक नया UPI पिन बना लेते हैं, उसके बाद आपका UPI पिन सेट हो जाएगा। अब आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, जो आप UPI पिन सेट किए हैं वो आप यहां पर डाल दीजिए, राइट कर दीजिए और अब आपका जो बैलेंस होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा, यहां पर आपका कितना बैलेंस है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आपको बताते हैं अगर आपके बैंक में आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे आपको दिखा दें हमारे ये SBI का बैंक है, इसमें हम रीसेट पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक नया अपडेट है NPCCI की तरफ से, यानी कि NPCCI ने यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है कुछ बैंकों में आपका आधार रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, जैसे आपका ये पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया और आपका हो गया केनरा बैंक हो गया, PNB बैंक हो गया और आपका और भी बैंक है जैसे यूको बैंक हो गया। तो ये कुछ बैंकें हैं और भी आपकी लिस्ट है, अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं कि किस किस बैंक में आधार UPI चालू हो चुका है तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर चेकआउट कर सकते हैं और उसमें आप लिस्ट में देख सकते हैं कि आपकी बैंक उसमें है या नहीं। अगर आपकी बैंक नहीं है तो आपको कम से कम कुछ दिनों के लिए इंतजार करना होगा, जैसे
8 से 10 दिनों के लिए, एक सप्ताह के लिए। उसके बाद आपके भी बैंक में आधार UPI रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। आधार से आप UPI अपना चेंज कर पाएंगे, UPI पिन। तो मैं आशा करता हूँ आज आप सीख गए होंगे कि आधार कार्ड से अपना UPI पिन चेंज कैसे कर सकते हैं, आधार कार्ड से अपना UPI पिन आप रिसेट कैसे कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर विकल्प दिखाई दे रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि आधार कार्ड से भी अपना UPI पिन चेंज, रिसेट और नया भी बना सकते हैं।